बैकने, एक्ने ऑफ बैक, बैक एक्ने या फिर ट्रंकल एक्ने क्या होते हैं जानते हैं इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर जांगित। तो पिंपल्स सिर्फ फेस पे नहीं होते, पिंपल्स और भी एरियाज होते हैं जहाँ पे हो सकते हैं। कौन सा एरिया? जो आपका जो कह सकते हैं कि बॉडी का जो अपर एरिया होता है वहाँ पे पिंपल्स हो सकते हैं, जैसे कि आपका चेस्ट के ऊपर, आर्म्स पे हो सकते हैं आपके, और बैक पे हो सकते हैं। तो इन पिंपल्स को बोलते हैं बैक एक्ने बोलते हैं, या फिर बैकने बोलते हैं, या फिर हम मेडिकल बोलते हैं ट्रंकल एक्ने। और ये जो पिंपल्स होते हैं थोड़े से फेशियल पिंपल्स से थोड़े अलग होते हैं, और मेडिसिन का जो रिस्पॉन्स होता है थोड़ा अलग आता है। और इसके कौन कौन से रीजंस होते हैं बेसिकली, तो फर्स्ट रीज़न ये होता है कि बेसिकली जो बैक वाला एरिया होता है वहाँ पे ज़्यादा स्वेटिंग होती है, और ज़्यादा स्वेटिंग होने के बाद में वहाँ पे बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि आपका रिस्पॉन्स थोड़ा लेट आता है। सेकेंड, वहाँ की स्किन थोड़ी थिक होती है, और थिक होने के बाद में वहाँ पर जो कह सकते हैं कि मेडिसिन है थोड़ा सा रीच थोड़ा कम होता है, या फिर वहाँ तक एक्ट होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। और थर्ड बात होता है कि वहाँ पर एरिया काफ़ी बड़ा होता है, फेस तो काफ़ी छोटा एरिया होता है, काफ़ी बड़ा एरिया होता है, तो वहाँ मेडिसिन लगाना थोड़ा सा कह सकते हैं कि मुश्किल होता है। एंड फोर्थ, अगर आपने मेडिसिन लगा भी लिया तो क्या होता है कि ये बेसिकली कवर्ड एरिया होता है। कवर होने के बाद में मोस्टली जो मेडिसिन होती है वो आपके कह सकते हैं क्लोथ्स के ऊपर स्टक हो सकती है, पूरी तरह से वो मेडिसिन होती है वो आपकी स्किन के ऊपर एक्ट नहीं कर पाती है। तो अगर आपको बैक एक्ने हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे पहली बात है कि जो पिंपल्स के लिए कौन कौन से जो जनरल रूल्स होते हैं, जनरल केयर होती है वो आपको रखना है, जैसे कि आपको स्किन का अच्छे से केयर करना है, ओके, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करना है आपको, ज़्यादा ऑयली फूड वगैरह नहीं खाना है। और अगर आप जैसे कि आपको स्किन पे ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो डेफिनेटली आपको कम से कम दो बार आपको कह सकते हैं कि बॉडी वॉश करना है, ओके। और सेकंड, अगर आप जैसे कि आउटिंग ज़्यादा है आपकी, तो उस कंडीशन में आप दिन के अंदर क्या कर सकते हो कि यू कैन यूज़ ए पाउडर, ताकि आपका बैक्टीरिया ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो। सेकेंड है कि अगर आपका पिंपल्स ज़्यादा नहीं है तो उस कंडीशन में आप कुछ मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये लोशन है, ये बेसिकली एक लोशन है जिसका नाम है AHA लोशन। इसमें बेसिकली ग्लाइकोलिक एसिड है 15%, और ये जो ग्लाइकोलिक एसिड होता है आपकी स्किन को हल्का सा ड्राई करने का काम करता है, एक तरह का पीलिंग एजेंट का काम करेगा, जिससे आपके पिंपल्स इंप्रूव होंगे। और जो सेकंड है वो बेसिकली है वो है सैलिसिलिक एसिड, ओके। सिमिलरली सैलिसिलिक एसिड भी आपका स्किन को ड्राई करेगा, और सैलिसिलिक एसिड पिंपल्स को अच्छे से इंप्रूव करने में हेल्प करता है। और दूसरी बात है कि सारी चीज़, ये दोनों जो लोशन है ना बेसिकली वो एक स्प्रे फॉर्म के अंदर है, ओके। और स्प्रे फॉर्म मतलब है कि आपको स्प्रे करने में काफ़ी इजी होता है, राइट। और अगर पिंपल्स अगर बहुत ज़्यादा हैं, मल्टीपल पिंपल्स हैं, पस वाले पिंपल्स हो रहे हैं बैक पे, तो डेफिनेटली आपको फिर एक पीलिंग ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ओके। पीलिंग बेसिकली इन्हीं का होता है, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड का ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होता है, और कुछ एप्लीकेशन आपके डॉक्टर है वो एक्स्ट्रा एड कर सकते हैं, खाने का मेडिसिन भी आपको दे सकते हैं। तो इस तरह से आप पिंपल्स को कह सकते हैं कि इंप्रूव कीजिए। और दूसरी बात है, पीलिंग लेने से एक एक्स्ट्रा ये फ़ायदा हो जाता है कि हमारे जो मार्क्स होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं, ठीक है। ये मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं इसमें मल्टीपल पिंपल्स हैं और मार्क्स भी है आपके स्किन के ऊपर, और कुछ पिंपल्स हैं वो काफ़ी डीप भी है, और आप देख पा रहे हो कोई 2 मंथ्स के बाद का फोटोग्राफ ये इस तरह का है, जो कि हालांकि बहुत ज़्यादा इसमें कह सकते हैं कि चेंजेस नहीं है, बट कह सकते हैं कि आपको अच्छा गुड फील हो रहा है, क्योंकि वो क्लिनिकली देखने में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बट यू कैन सी दिस इज़ क्वाइट इम्प्रूव्ड। तो इस तरह से पिंपल्स ठीक होते हैं ट्रंकल एक्ने। और ट्रंकल एक्ने के बारे में या बैक एक्ने के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिए, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई देने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।